हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली की संत घोषित की सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ली अब एक नया मैजिक वेपन मास्टर बन चुका है और ये इस पूरे किंगलू एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट मास्टर बना है, जो कि उस आर्टिफैक्ट पैविलियन का अब नया मास्टर होगा। और वह माना जाता है कि जो भी न्यू आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन कर पाएगा वही एक सच्चा मैजिशियन होगा। क्योंकि यहाँ पे ली के जो टीचर होते हैं मो लाओ, उसने सिफारिश की होती है डीन से कि उन्होंने ली के परफॉर्मेंस को देखा है और उन्हें इस टाइटन से नवाज दिया जाए। इसीलिए अभी सेरेमनी को अंजाम देने के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है डीन को। अब डीन जैसे ही वहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं कि सेरेमनी के स्टार्ट होने से पहले डीन भी काफी लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। जब तुम हमारे इस एकेडमी के न्यू वेपन मैजिक मास्टर बन चुके हो तो आशा करते हैं कि तुम सारे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग मैजिक और हाई लेवल के आर्टिफैक्ट्स को क्रिएट करोगे, जिसे तुम हमारी इस एकेडमी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। डीन यहाँ पे सेरेमनी को स्टार्ट करने से पहले के स्क्रॉल ओपन करते हैं और आगे ली को वो इंटाइटल देने से पहले यहाँ पर सेरेमनी डीन सबको बताते हैं कि उस आर्टिफैक्ट पैविलियन के न्यू मास्टर के तौर पे तुम्हें 3000 पीसेस ऑफ मैजिक क्रिस्टल दिए जाते हैं। साथ ही तुम्हें एक मैजिक वेपन के साथ एक रोप भी दिया जाता है, जो कि एक प्रकार का चोंगा होता है। आगे यहाँ ली उनसे कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस मैजिकल आर्टिफैक्ट पैविलियन को शिखर तक पहुंचाने के लिए और आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूंगा। इससे पहले कि वो उसे खिताब इंटाइटल किया जाता है, उनमें से एक स्टूडेंट यहाँ कहता है कि मुझे इसके न्यू मास्टर बनने से ऑब्जेक्शन है, और ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि फ्लेम ऑफ लॉर्ड होता है। जिस पे डीन के आगे पूछने के कारण कि तुम्हें इस पे ऑब्जेक्शन क्यों है, यहाँ वो बताता है कि इस ली ने अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपनी पूरी शक्तियाँ रिगेन की है। आखिर हम ये कैसे मान लें कि ये एक ट्रू मैजिशियन है जो कि वेपन्स और आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर सकता है, जब तक ये खुद वेपन्स को हमारे सामने फोर्ज करके ना दिखाए। जब तक ये हमारे सामने न्यू वेपन्स को फोर्ज नहीं करेगा, हम ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये उस पैविलियन का यंग मास्टर है। इस पे यहाँ ट्वीट और ताओ उनसे कहने लगते हैं कि आखिर डीन के फैसले को तुम ऐसे कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। और यहाँ ली के एबिलिटीज को जानते ही इस एकेडमी के एल्डर ने ये फैसला लिया है, और तुम ये जान लो कि हमारे एल्डर्स के आदेश के खिलाफ अगर तुम गए तो तुम्हें पनिशमेंट दी जा सकती है। जिस पे यहाँ लॉर्ड अफ्लेम उनसे कहता है कि अगर ये न्यू वेपन्स को फोर्ज कर पाता है तो मैं उस पनिशमेंट को भी झेलने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर मास्टर मूलाओ भी आ जाते हैं, जो उनसे कहते हैं कि अगर कुछ लोगों ने इसके सेरेमनी पे एतराज किया है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ली को यहाँ पे वेपन को फोर्ज करने दिया जाए, जो कि इसके ब्रिलियंस में और भी ज्यादा चार चांद लगा देगा और इस सेरेमनी को और भी ज्यादा इन्हेंस कर देगा। यहाँ डीन भी मूलाओ की इस बात को मान लेते हैं और ली से पूछते हैं, क्या तुम सबके सामने वेपन को फोर्ज करने के लिए तैयार हो। अब यहाँ ली भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है ये कहते हुए, जब मेरी इस सेरेमनी से किसी को एतराज है तो मैं यहाँ आज सबको ये साबित करके दिखा सकता हूँ कि मैं किस तरह से मैजिकल वेपन्स को फोर्ज करता हूँ, जिससे सभी लोग कन्विंस हो जाएंगे और जिनको मेरी एबिलिटी पे डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर आज मैंने ये सबके सामने साबित करके नहीं दिखा दिया तो ये आगे मुझे जाके फ्यूचर में इसी तरह से बुली करेंगे। अब यहाँ पे मैजिक वेपन को कास्ट करने का प्रोग्राम शुरू होता है। यहाँ पे हम ली को देखते हैं कि सबसे पहले वो एक साधारण से शॉट को चूज करता है और यहाँ पे वो प्रोसेस शुरू करता है, जहाँ पे सबसे पहले वो उन रून्स को ड्रॉ करने लगता है, जो कि एक प्रकार का पैटर्न होता है। और ली को ऐसा करते हुए देख यहाँ जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है वो यहाँ समझ जाता है कि अगर ये इस मैजिक वेपन को फोर्ज कर पाया अब तो ये एक मैजिशियन बन जाएगा और फिर मुझे इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि ये ऐसा कुछ कर पाए, मुझे कुछ उपाय ढूंढना होगा ताकि मैं इस ली से जल्द छुटकारा पा सकूं। तो दूसरी तरफ हम एल्डर्स को बात करते हुए देखते हैं, जो कि ली के उन रियूंस की ड्राइंग को देख करके काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। यहाँ डीन मूला से कहने लगते हैं कि मैंने कभी एक ऐसा स्टूडेंट को नहीं देखा जो अपने मात्र 3 साल के स्टडी में ही इस तरह के पैटर्न को ड्रॉ कर पाए। इस पे मूला उसे जवाब देते हैं कि कुछ लोगों की किस्मत ही होती है कि वो जीनियस पैदा हो, और अगर इस तरह का जीनियस किट मेरी जगह को ले ले तो फिर यहाँ पे आने वाला जो रिजल्ट होगा वो सभी को शॉक कर देगा। अब यहाँ पे डीन भी इस बात का खुलासा कर देते हैं कि मेरी बेटी जो लियो ली है वो भी इससे काफी क्लोज है, और आमतौर पे तो मैं यंग पीपल के अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर पाता, लेकिन मुझे फ्यूचर में खुशी होगी कि कोई इस तरह का मैजिक वेपन मास्टर मेरा सन इन लॉ बने। मतलब यहाँ लिटरली डीन उसके इस टैलेंट को देखते हुए उसे अपना दामाद बनाने की सोच रहा होता है। अब इधर सीन ली की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ उसने अपना पैटर्न ड्रॉ कर चुका होता है, और अब उसका अगला प्रोसेस होता है उस मैजिक कोर को उस शॉर्ट के जो रून्स ड्रॉ किए गए हैं उसके अंदर उसे फिट करना।
अब ये सबसे मेन टास्क होता है, इसलिए ली एक फिफ्थ लेवल के पर्पल थंडर ड्रैगन कोर को इसके लिए सिलेक्ट करता है। अब ये देखिए मास्टर मोलाओ तो यहाँ पे डर जाते हैं और वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये उसने किस तरह का ड्रैगन कोर चूज कर लिया। यहाँ वो ली की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें फोर्थ लेवल के ड्रैगन कोर को चूज करना चाहिए, ना कि फिफ्थ लेवल के, क्योंकि हो सकता है कि ये जो फिफ्थ लेवल का ड्रैगन कोर है वो स्टेबल ना हो। जिसपे यहाँ ली उनके तरफ देख करके इशारा करते हुए कहता है कि मैं तो इसी लेवल के कोर को चूज करूंगा। यहाँ पर मोलाओ अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि फिर देखते हैं कि तुम इसे फ्यूज कर पाते हो कि नहीं। अब यहाँ मुश्किल टास्क ये होता है कि उस ड्रैगन के इनर कोर को उस शॉट के रियोन के साथ फिट कर पाना। जैसे ही ली ये करता है, हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन का इनर कोर होता है उसकी सोल बाहर आ जाती है। अब एक वेपन मास्टर तभी एक ट्रू मैजिशियन बन सकता है तक कि वो उस इनर कोर की सोल को इन रियोन्स के साथ फ्यूज ना कर दे। लेकिन वो जो पर्पल ड्रैगन होता है वो उसकी एक ईवल स्पिरिट होती है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी, और इसे सप्रेस करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये देख के सारे स्टूडेंट भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पे वो आपस में बातें करने लगते हैं कि अगर ली ने ऐसा कुछ कर लिया तो मैं खुशी खुशी उसे अपना मास्टर मान लूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि उस डेमन के इनर कोर को सप्रेस करने के लिए यहाँ पर ली मैजिकल कास्ट को स्पेल करने लगता है। अब उसी टाइम पे जब ये ऐसा कर रहा होता है तो हमें शिमी को दिखाया जाता है जो चुपके से ये सब देख रही होती है। मीन्स कि यहाँ पे वो ली के साथ कुछ न कुछ जरूर कॉन्स्पिरेसी करने की सोचती है। यहाँ पे ली को भी उस डेमन की सोल को सप्रेस करने में काफी मुश्किलें पेश आती हैं। इसलिए जो ली के पास लॉर्ड ऑफ रिंग होता है वो उसे कहता है कि अगर इसी तरह ये ड्रैगन सोल तुम्हें सप्रेस करती रही तो तुम्हारी बॉडी के लिए इसे सहना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर अब लॉर्ड ऑफ रिंग ली की मदद करता है जो उस ड्रैगन की ईविल पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि अब उस लॉर्ड ऑफ रिंग्स के अंदर सारी की सारी उस ड्रैगन की ईविल पावर आ जाती है और अब ली तुरंत ही वो शॉट को उठाता है और उसके एकदम बीचों बीच उस डेमन कोर को इंसर्ट कर देता है, जिसे वहाँ पे इतनी बड़ी एनर्जी का वेव क्रिएट होता है कि वहाँ पे जो स्टेज होता है वो भी टूट जाता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं गाइस कि ली ने अब एक न्यू मैजिकल वेपन को फोर्ज कर लिया होता है। अब ये देखते हैं यहाँ पे इन सब की बोलती बंद हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड काफी फिनिश हो जाता। तो गाइस मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, मेरे चैनल पे मैंने अभी अभी एक न्यू सीरीज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की है, तो काफी ज्यादा अमेजिंग कहानी के साथ आगे बढ़ रही है और इसके भी एपिसोड्स का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग इस तरह की अमेजिंग सीरीज में इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके मूल्यवान कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।